चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण दिन और जिस रूप में वो मनाए जाते हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। याद रखिए, जनवरी से लेकर हम लोग नवंबर तक के सभी दिन और सभी जिस भी रूप में मनाए जा रहे हैं उनके बारे में विस्तार से बात कर चुके थे अच्छे तरीके से। अब बात करनी है हमें दिसंबर महीने की। लास्ट महीना कौन सा मंथ है? दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिन और दिवस। याद रखिए, इससे आपके वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। और आप देखेंगे स्टेट पीसीएस, जैसे एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस, बिहारपीसीएस या सिविल सर्विस, इनके प्रीलिम्स में आपके सही जोड़ी एक तरह से बनाने के लिए, सही सम्मिलित करने के लिए आ जाती है। तो उनके बारे में भी आप लोग, इसीलिए तो कहता हूँ कि कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह के, किस प्रकृति के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, ठीक है। और इसकी जो थीम रहती है वो जब भी करेंट अफेयर्स हम लोग बात करेंगे 2020 का, फिर 2021 का, तो तब अपडेट करती रहेंगी। यहाँ केवल आपके स्थायी आंकड़े बता देता हूँ, ठीक। अगर कोई छूट जाता है तो वो आप लोग जोड़ सकते हैं, या नया नया जोड़ता रहता है तो उसे भी आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है, सुधार करके, जो भी अगर गलती होती है। वैसे कोशिश तो रहती है कि आपको सही ही बताया जाए, फिर भी अगर गलती हो जाती है तो आप लोग नीचे खुली हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। विश्व एड्स दिवस, ये सभी आप लोग जानते होंगे, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस ये 1 दिसंबर, हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस एचआईवी संक्रमण के फैलने के कारण होने वाली बीमारी के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए विश्व भर में मनाया जाता है। ध्यान दें कि यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिन्हित 8 आधिकारिक वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों में से मुख्य एक है। और याद रखिए, एक बात और बता दूं यहां कि पहली बार कब मनाया गया था? 1988 में। कब? 1988 में पहली बार मनाया गया था। और ये एचआईवी वायरस के कारण होता है, एचआईवी संक्रमण। और एक तरह से एड्स की विधि आपको जागरूक करने के लिए, जिससे आप इससे लड़ सकें इसके खिलाफ, ठीक है। और विश्व WHO की बात करें, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। आप जानते हैं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर को ही आप देखेंगे सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को ही सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 1 दिसंबर को ही आप देखेंगे नागालैंड दिवस भी मनाते हैं। 1 दिसंबर को ही नागालैंड दिवस भी मनाते हैं। 1963 में आपने देखा होगा कि नागालैंड को भारतीय संघ का 16वां राज्य घोषित किया गया था, ठीक है, उसी की एक तरह से खुशी में। आप देखते हैं ना कि 1 नवंबर को आपका क्या मना देते हैं? मध्य प्रदेश दिवस मना देते हैं, समझ रहे? इसी तरह से उनकी जब भी अलग होते हैं या स्थापना होती है उसी तरह से मनाते रहते हैं। फिर आता है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को आप देखेंगे गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, या फिर आप कह देते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस भी कह देते हैं, ठीक है। ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाने का उद्देश्य दास्ता की समकालीन स्वरूप, जैसे व्यक्तियों की तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम के सबसे खराब तरीके, जबरन शादी, सशक्त संघर्ष में इस्तेमाल के लिए बच्चों की जबरन भर्ती का उन्मूलन करना होता है। और दास्ता को खत्म करने वाला पहला देश 1807 में बेटेन स्लेव ट्रेड एक्ट के उन्मूलन को पार करता है। मोरिटानिया जैसे देश में दास्ता अभी भी आप देखेंगे मौजूद है, ठीक है। अब कई अफ्रीकी देशों में भी आप लोग अभी भी देखेंगे। 2 दिसंबर को ही आप देखेंगे भोपाल त्रासदी दिवस मनाया जाता है। भोपाल त्रासदी दिवस 2 दिसंबर की रात को गैस रिसाव के कारण भोपाल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और भोपाल आप जानते होंगे मध्य प्रदेश की राजधानी है। किसकी? मध्य प्रदेश की राजधानी है। यह एक बात और आपको याद रखनी चाहिए, देखिए 2 दिसंबर, 2-3 दिसंबर को भी थी ये रात में, ठीक है।
कभी कभी आपका पूछ लेता है। इसमें आपकी सबसे बड़ी पूछता है, गैस के बारे में पूछता है कि ये गैस कौन सी थी। तो याद रखना है, गैस सबसे ज्यादा ऐसी क्वेश्चंस बनता है गैस का, मेथाइल आइसो साइनाइट, या फिर इसे माइक भी कह देते हैं, MIC, ठीक है, मेथाइल आइसो साइनाइट। फिर आप देखेंगे 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मना लेते हैं आप लोग, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को ही, 2 दिसंबर को ही विश्व प्रदूषण निवारण दिवस भी मना लेते हैं, ठीक है। 3 दिसंबर की बात करें तो विश्व संरक्षण दिवस, विश्व संरक्षण दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की, तो ये 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का मनाते हैं, 3 दिवस को। हर साल 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के लिए के समाज में के विकास में सहयोग को चिन्हित करने हेतु विश्व विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने संकल्प 47-3 को पारित कर यह दिवस 1992 में स्थापित किया था। यह दिवस राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के पहलू में विकलांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जानकारी बढ़ाने की मांग भी करता है। आप लोगों को मालूम होगा कि अभी भी आप देखते होंगे कि विकलांग जो व्यक्ति, फिर चाहे दिमाग की क्षमता किसी भी तरह से विकलांग, उनके साथ किस तरह का समाज में व्यवहार किया जाता है, समझ रहे, एक तरह से इसी जागरूक करने के लिए, उनके प्रति ये दुर्भावना ना रखने के लिए इसे मनाया जाता है। फिर आप देखेंगे रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाते हैं। कब? 4 दिसंबर को, ठीक है। 4 दिसंबर को आप देखेंगे भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस आप लोग 4 दिसंबर को ही मनाते हैं। भारत में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना की उपलब्धियों का जश्न मनाने तथा सही सैनिक कर्मचारियों को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ध्यान दें कि भारत में नौसेना दिवस 4 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह में भारतीय नौसेना की साहसी हमलों के लिए आयोजित किया जाता है। आप जानते हैं 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, और आपने देखा कि बांग्लादेश नया देश बना था उसी समय, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय। फिर आप देखेंगे 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा दिवस भी मनाया जाता है। 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी कह देते हैं इसे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1985 में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाने का फैसला लिया था, और महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर हर साल 5 दिसंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया, और 2001 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिवस मनाया गया था, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि विश्व मृदा दिवस, ये 5 दिसंबर को मनाते हैं, विश्व मृदा दिवस। प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस क्षेत्रीय कार्यालयों और राष्ट्रीय और स्थानीय घटनाओं के द्वारा से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की खाद्य एवं कृषि संगठन में आयोजित किया जाता है। विश्व मृदा दिवस को मनाने का कारण किसानों, आम लोगों को मिट्टी की महत्व के बारे में जानकारी देना है। अभी आपने देखा होगा कि आपके देश में कुछ बिल पास हुए थे किसानों के, तो आपने देखा है कितना विरोध प्रदर्शन हुआ। तो कई लोगों का कहना था कि ये पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही क्यों हो रहे हैं विरोध, बाकी के भारत के बाकी हिस्सों में क्यों नहीं हो रहा है। तो बुंदेलखंड की स्थिति आप जानते हैं, बघेलखंड की स्थिति आप जानते हैं कि यहाँ कितनी खेती होती है। यहाँ तो आप देखते हैं मिट्टी की, जो भी उपचार की बात की जाए, फिर चाहे मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करने की बात की जाए, ये कभी नहीं होता है। वो एक तरह से पारंपरिक कृषि पर निर्भर रहते हैं कि उन्होंने डाल दिए बीज, हो गया तो हो गया, वरना राम राम सत्य, समझ रहे, इसलिए इन्हें लोगों को ज्यादा मतलब भी नहीं रहता है। और बिहार में आप देखिए, बिहार की यही स्थिति है। पंजाब हरियाणा और इनकी बात करें, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ हिस्से की, तो यहाँ क्या है कि किसान एक तरह से बिजनेसमैन की तरह है वहाँ खेती, वहां गरीब नहीं है, वहां सुसाइड करने की नौबत नहीं आती है।
हरित क्रांति का प्रभाव देखिए सबसे ज्यादा आपको उसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वहां के अपने बच्चों को वीआईपी स्कूलों में पढ़ाते हैं, वीआईपी गाड़ियों से घूमते हैं, मतलब है, इतना मतलब अच्छी स्थिति है किसानों की अपनी। हर समय वो अपनी खेती करते हैं तो उसी मतलब हर उसी में जुड़े रहते हैं, हर तरह से देखभाल करते रहते हैं उसकी। फिर आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप लोग, 6 दिसंबर नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं आप लोग कब? 6 दिसंबर को। और 6 दिसंबर को ही सशक्त सेना दिवस भी मना लेते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस आपका 7 दिसंबर को मना लेते हैं। 1996 में 7 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस के रूप में प्रस्तावित किया था। विश्व नागर विमानन दिवस सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विमानन विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के महत्वपूर्ण पहचान प्रदान करना है। ध्यान दें कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की 50वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस 7 दिसंबर 1994 को मनाया गया था, ठीक है। पहली बार ही एक बात और याद रखिए, जो भी जितने भी आपके अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके थे, अगर फिर भी कोई छूटा है आपका तो बताइए, उसे भी कवर कर देंगे क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट सूची बना दी गई थी। फिर आप देखेंगे 7 दिसंबर को भारतीय सशक्त सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारतीय सशक्त सेना झंडा दिवस ये 7 दिसंबर को। 8 दिसंबर की बात करें तो पनडुब्बी स्थापना दिवस। पनडुब्बी स्थापना दिवस कब? ये 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस मना रही है। दरअसल 8 दिसंबर 1967 को पहली पनडुब्बी कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और इसे 31 मार्च 1996 को 30 वर्ष की राष्ट्र सेवा के बाद नौसेना ने रिटायर्ड किया था। तो उसी की याद में एक तरह से 8 दिसंबर 1967 को इसे जब शामिल किया गया था तो उसी की याद में मनाते हैं इसे, ठीक है। फिर आप देखेंगे होम गार्ड स्थापना दिवस ये 8 दिसंबर को ही। अंतर्राष्ट्रीय शोक दिवस ये 8 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शोक दिवस आपका 8 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे 9 दिसंबर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये आप देखेंगे कब? 9 दिसंबर। और भ्रष्टाचार निवारण दिवस ये 9 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाते हैं? 9 दिसंबर को। दुनिया भर में आपको देखने को मिलेगा कि 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाएं। और 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो अब देने वाला भी तो भ्रष्टाचार कर रहा है, आप अगर किसी को रिश्वत दे रहे हैं तो ये भी तो गलत है। ये अलग बात है कि हमारे भारत में बिना लिए दिए कुछ होता भी नहीं है ना। आपसे अगर पूछे राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 9 दिसंबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 9 दिसंबर को। फिर आप देखेंगे विश्व प्रसारण बाल दिवस ये 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को ही आप देखेंगे विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। हर साल आपको देखने को मिलेगा कि 10 दिसंबर को विश्व स्तर पर विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र ने 4 दिसंबर 1950 को अपने संकल्प 423-5 के द्वारा अपनाया था। ध्यान दें कि मानवाधिकार की सार्वजनिक घोषणा संबंधी अधिकारों को मान्यता प्रदान संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को की थी। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार पुरस्कार तथा नोबेल शांति पुरस्कार का वितरण हर साल 10 दिसंबर को ही किया जाता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिए। 11 दिसंबर की बात करें तो विश्व बाल कोष दिवस मनाते हैं आप लोग 11 दिसंबर को।
11 दिसंबर को ही आप देखेंगे कि यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है, और 11 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, या फिर इसे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन डे भी कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल माउंटेन डे हर साल आपको 11 दिसंबर को मनाया जाता है, और जिसे 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहाड़ों में सतत विकास को प्रोत्साहन करने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, 11 दिसंबर को ये कई बार पूछ लेता है, वैसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी याद रखिए, आ जाता है तो आप क्लियर कर सकते हैं। 11 दिसंबर को ही सामान्य भारतीय जन्म वर्षगांठ भी मनाते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी, तभी से ही मनाया जाता है, ठीक है। पर आप देखेंगे 12 दिसंबर असम राइफल्स स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? असम राइफल्स स्थापना दिवस, ये आपका 12 दिसंबर को। 14 दिसंबर की, और याद रखिए 12 दिसंबर को एक और डे मनाते हैं आप लोग, तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और अगर आपसे 16 की बात करें, 16 दिसंबर, तो विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस। आप लोगों को मालूम होगा जो अभी नई जनगणना हुई थी बाघों की, तो इसमें आपकी 2967 बाघ है टोटल भारत में, और सबसे ज्यादा एमपी में है आपकी 526, ठीक है। और इसीलिए आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहते हैं आप लोग। फिर आप देखेंगे विश्व विजय दिवस कब मनाते हैं, ये 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मुक्ति के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत हुई, इसलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेनाओं ने 93,000 सैनिकों के साथ युद्ध में हारने होने के बाद ढाका स्थान पर सहयोगी बलों को आत्मसमर्पण कर दिया था, उसी की याद में एक तरह से हमारी हमारी जीत की याद में इसे मनाते हैं। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान कभी अपने करतूतों से बाज नहीं आता है। आप देखिए, जितनी बार युद्ध हुआ, झड़प हुई है, हर बार उसे मौत की खानी पड़ी, फिर भी आप देखते रहते हैं कि वो इस तरह की हरकतें करता रहता है। फिर आप देखिए पेंशन भोगी दिवस कब मनाते हैं, पेंशन भोगी दिवस आपको 17 दिसंबर को मनाया जाता है। अरबी भाषा दिवस आपका, अरबी भाषा दिवस आपका देखेंगे कि ये 18 दिसंबर को, या फिर आप कहें कि अरबी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कह सकते हैं, ये 18 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस मना सालाना 18 दिसंबर को मनाता है। यह आयोजन 2010 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और यह 1973 में दिन था जब जनरल असेंबली ने अधिकारी संयुक्त राष्ट्र भाषा के रूप में अरबी को मंजूरी दी थी, ठीक है। 18 दिसंबर की ही बात अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ये कब, 18 दिसंबर को ही। 18 दिसंबर को आप लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 4 दिसंबर 2000 को, सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प 5593 की अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस 18 दिसंबर को स्थापित किया था। इस दिन अनेक देशों में कई अंतर सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन मानव अधिकारों एवं लोगों के बीच प्रवासियों की मौलिक राजनीतिक स्वतंत्रता पर जागरूक करते हैं, ठीक है। तो याद रखना 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 29 अगर 19 दिसंबर की बात करें तो गोवा मुक्ति दिवस, भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप को करीब 450 साल के पुर्तगाली से स्वतंत्रता दिलाई थी। भारतीय सेना ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा में विजय ऑपरेशन की शुरुआत की थी, और पुर्तगाली ने सेना ने 19 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया था, इसलिए हर साल भारत में आप लोग 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन लिबरेशन डे मनाते हैं। एक बात और याद रखिए, आप समझते हैं कि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हमारे देश में अगर कोई रहा है तो पुर्तगाली ही रहे, सबसे पहले भारत में आते हैं और सबसे बाद में ये लोग जाते हैं, ठीक है।
फिर आप देखेंगे 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है, कब? 20 दिसंबर को। 22 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस आप लोग 22 दिसंबर को मनाते हैं। हर साल 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिवस के एक याद में मनाया जाता है। पहली बार 2012 में राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, ठीक है, तो इसे याद रखिए। आप देखेंगे 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। भारत के पांचवें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस मनाने के लिए, यानी कि उन्हीं के जन्मदिन के रूप में इन्हें मनाते हैं, ठीक है, किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस। फिर आप देखेंगे 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे अगर पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं तो 24 दिसंबर को। भारत में हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे 25 दिसंबर, तो संपूर्ण भारत में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन दिवस की स्मरण पर केंद्र सरकार आयोजन करती है। इस दिवस का विशेष लक्ष्य भारतीय नागरिकों के बीच सरकार के उत्तरदायित्व के प्रति जानकारी बढ़ाना है। सुशासन दिवस भी कहते हैं, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, सुशासन दिवस। फिर आप देखेंगे 26 दिसंबर तो मुक्केबाजी दिवस मनाया जाता है। मुक्केबाजी दिवस कब मनाते हैं आप लोग? ए 26 दिसंबर को, बॉक्सिंग डे। 8 से 15 दिसंबर जो सप्ताह है ये अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, कब? 18 से 15 दिसंबर के बीच का सप्ताह, ठीक है, अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह। तो ये हो गए आपके सभी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी महीनों के सभी जो भी महत्वपूर्ण दिन है और जिस भी रूप में मनाए जाते हैं। याद रखिए अगर छूटा है कोई तो उसे आप लोग जोड़ सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। और एक बात और याद रखिए, अब जो इसके अस्थायी आंकड़े, अस्थायी करने का मतलब है कि जिस दिन मनाया जा रहा है हो सकता है कि उस दिन थीम अलग रखी जाए या कुछ और इस पर मतलब घोषणाएं की जाए, तो उसके लिए हम लोग करंट से जुड़े रहेंगे, ठीक है।